एक बार बोलिए श्री राधे कृष्ण भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका अपना एक बार हृदय से स्वागत करते हुए साप्ताहिक हमारे कार्यक्रम को लेकर के हम पुनः अपने स्टूडियोज पापाटोयोटो ऑकलैंड न्यूजीलैंड से प्रसारित कर रहे हैं अपने चैनल पर। आप सभी जितने भावप्रद जितने श्रोता गण है सबको हम विशेष स्वागत कर रहे हैं। ऑनलाइन व्यूअर्स आप सबको बहुत 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 धन्यवाद है। चले हम आज पुनः एक बार श्रीमद् भागवत महापुराण का जो पाठ है उसको लेकर के उपस्थित हुए हैं। साथ में हमारे आज तबला पर पुनः एक बार नमन स्वामी और हमारे स्टूडियोज में आज हमेशा की तरह भैया हमारे उत्तम जी आपके चरणों को प्रणाम है। भाभी श्री सरोज जी आपको प्रणाम। साथ में हमारे आज बर्थडे बॉय भी हैं जीजा श्री विजेंद्र जी आपका भी स्वागत और साथ साथ में माशा रमेश राम जी और भाभी श्री श्रीधर जी आपको भी भैया प्रीतम जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी पदार्पण हुए हैं। मास्टर पवन जी आपका भी साथ में भी नहीं प्रेमिला जी और टीचर जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। सावित्रा जी और अंजना जी सब घूम घाम करके वापस लौट करके आ गई है। बुना एक बार आज ही वापस आई है। टेक्स्ट पढ़ रहा था आपका आपका स्वागत है। और भैया सुरेश जी आपका भी भव्य स्वागत है। आप कुर्सी ले आया भैया और साथ में भाभी श्री आपका भी हम लोग अभिनंदन करते हैं। चले हम बड़े भावप्रद होकर के भगवान के चरणारविंद में हम अपने मन को लगाएं और श्री गोविंद भगवान से प्रार्थना करें कि हे परमात्मन हे जगत पिता हे जगत कारण हे जगत नियंता हे जगत आधार प्रभु जो भी मनुष्य आज किसी भी हालत में पीड़ित है किसी भी कारण वह असमर्थ है यहाँ आने के लिए या आपके पूजन में भाग लेने के लिए उनके स्वास्थ्य लाभ जल्दी से जल्दी हो जाओ। जिसे घर में जिस घर में निधन आदि हुआ है जो शोकाग्रस्त परिवारजन हैं उनको भी धैर्य मिले। आज हमारे बीच से एक बहुत ही माने जाने सज्जन श्रीमान पुनस्वामी रत्नम जी उनका निधन पिछले सप्ताह हुए हैं और हम उस परिवार से बहुत सालों से जुड़े हुए हैं। तो हम सभी मिलकर के निवेदन करेंगे परमात्मा के चरणों में कि परमात्मा हमारे भैया स्वर्गीय श्री पुनस्वामी रत्नम सेमी नाम से भी वो विख्यात थे उनकी आत्मा को परमात्मा अपने परम धाम देवे और परिवार को बहुत बहुत धैर्य दे शक्ति दे ताकि वो अपने जीवन के हर एक कार्य को संपन्न कर पाए। आए भाव से सब चले मिलकर के हम श्री भगवान का नमस्कार करेंगे। सभी को हमारे साथ में जुड़कर ओम श्री परमात्मने नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वंशी विभूषित करं नवनीतदा पीतांबरा गरुण बिंब फलाधरोष्टा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर बिंब नेत्रा श्री कृष्ण परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। आइए सब हमारे साथ में चलें और कई एक रिक्वेस्ट आए हुए मेरे पास जब मैं कल अपने स्टोरी पर आज के प्रोग्राम के खबर छोड़ी थी तो कई लोग जुड़ गए थे। कम से कम 400 लोगों ने अपना अपना शुभ मंगल आशीर्वाद दिए हैं। उनमें से कई हैं जो हमसे कुछ रिक्वेस्ट भी किए हैं तो देखें कहां तक किनका रिक्वेस्ट हम पूरा कर पाएंगे। चले भाव से लेकिन अजय भैया आपको बहुत बहुत विशेष रूप से धन्यवाद। कई सालों से आप हमारे प्रोग्राम को फॉलो कर रहे हैं
और आपने रिक्वेस्ट किया है कि आज हम आपको एक भजन सुनाएं, और भजन अभी नहीं लेकिन थोड़ी देर में कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे, जरूर आपके बीच में लाऊंगा। आइए भाव से सब चले। जय राधा माधो, जय कुंज बिहारी, जय राधा जाद्या पा।
माँ सरस्वती की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार करणो रघुवर बिमल दसु जो नायक फल चार बुद्धिहीन तनु ज्ञानी के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या दे मुझे हरहु कलेश अतुलित बल धाम हेम शैलावधेहम दनुज वन कृशानम अग्रगण सकल गुण निधानम बानरानाम भीषम रघुपति प्रियादूतम हनुमान जी महाराज की अखंड मंडलाकार व्याप्त चराचरम तदपदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरु गुरुदेव भगवान की अपने अपने माता पिता के चरणों कमल की। मैं अपने पूज्य माता श्री को वंदना करता हूँ, स्वर्ग पिता श्री को भी प्रणाम करता हूँ। स्वर्ग में आइए मैं अपने अपने गुरुजनों को भी मैं साष्टांग प्रणाम करता हूँ। जितने साधु संत विद्वजन हमें आशीर्वाद देते हैं, अपना मंगल आशीर्वाद देकर के हमें बहुत 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 ही प्रेरणा करते हैं, उन सब के चरणों को मेरा साष्टांग प्रणाम है। आइए भाव से चले हम सब मिल करके श्री गोविंद नाम संकीर्तन करेंगे, क्योंकि आप सोनम बेटी आ गई। सोनम बेटी के मुखारविंद से हम बहुत सुंदर भगवान श्री कृष्ण का भजन और सुनने शक्ति भी आज मजीरा को लेकर के अपने बीच में आ गए हैं। इन दोनों के साथ में प्लस हमारे नमन स्वामी तबला पर और हमारी तालियां का बहुत सुंदर गुंजाहट हो रहा है। इन सब के साथ में मिलकर के हम लोग सोनम बेटी के साथ में एक कीर्तन और फिर आज का प्रसंग हम शुरू करेंगे। और सानिया बेटा भी हमारे बीच में आ चुकी हैं, इनका भी भव्य स्वागत है। श्याम चंदा है श्यामा चकोरी बड़ी सुंदर है दोनों की की सरकार
श्री कृष्ण, जय श्री राधे। अति सुंदर सुना बेटा, बहुत बहुत आपने मौसम ही बदल दिया। यही तो होता है कलाकारों की पहचान ना, आते ही समा बदल जाती है, सब कुछ बदल जाता है। तो भगवान की अनुकम कृपा है कि अपने पिताजी के जन्म उत्सव कलन थी, तो हमारे विजेंद्र जी 21 के हो गए। बहुत बहुत बधाई हो इनके जन्म दिवस पर, अपने दोनों होनहार बेटियों के साथ में, अपने प्यारी सी पत्नी बहन प्रेमिला के साथ में। जब जब इनको समय मिलता है स्टूडियोज में आते हैं, विभिन्न हमारे कार्यक्रम में आते हैं। तो भगवान करे आपकी दीर्घ आयु हो, खूब लंबे अक्सर तक जियो आप, और ऐसे ही भगवत कृपा बरसे परिवार पर। बस यही मंगल प्रार्थना भगवान के चरणों में। आए चले हम लोग पिछले सप्ताह जहां पर हमने इस कथा को छोड़ा था वहीं से, क्योंकि मुझे याद है जब हमने कहा कि श्री सुखदेव मुनि महाराज दिव्य आसन पर विराजमान हो गए, तो जितने वहां के वरिष्ठ, जितने ऋषि वृंद से सब एक एक करके जा करके महामुनि श्री सुखदेव जी को प्रणाम किए, और स्वयं श्री राजा परीक्षित ने भी जा करके उनके चरण पखारे और दिव्य आसन पर जो बैठे हैं उस दिव्य आसन को प्रणाम किया है। और हम वहां से इस कथा को लेंगे कि जब श्री महाराज परीक्षित का कुछ प्रश्न थे, और उनके क्या प्रश्न थे, मैंने बोला यहीं से कथा रोक देंगे। मैंने देखा सरोज भाभी थोड़ा निराश हो गई थी, तो वो तो पिछले हफ्ता जानना चाहती थी कि भाई क्या प्रश्न है हमारे राजा परीक्षित का। श्री वेद व्यास परमहंस व्यास नंदन परमहंस श्री सुखदेव मुनि महाराज से, जैसे हमारे अर्जुन श्री ने, गांधीधारी अर्जुन ने भी भगवान से कुरुक्षेत्र के मैदान में कई प्रश्न पूछे हैं आत्मा और जीव के विषय में, ऐसे श्री राजा परीक्षित जी भी महामुनि व्यास नंदन सुखदेव मुनि महाराज से प्रश्न पूछते हैं, और उन प्रश्नों का यहाँ विवरण किया गया है। अब हम द्वितीय स्कंद में प्रवेश कर रहे हैं। पिछले सप्ताह इस प्रथम स्कंद का समाप्ति पर श्री राजा परीक्षित का प्रश्न, उसने कहा कि हे महामुनि, यह भी बतलाइए कि मनुष्य मात्र को क्या करना चाहिए जब उनकी अंतिम समय आती है, तब वे किस का श्रवण करें, वह किसका जप करें और किसका स्मरण करें, किसका भजन करें तथा किसका त्याग करें, किस चीज का त्याग कर देना चाहिए अंतिम समय में। क्योंकि जीवन पर्यंत हम अपने जीवन की बागडोर में परिवार पालन पोषण हेतु व्यापार कार्य करते हुए कहीं ना कहीं हम बिल्कुल पिछड़ जाते हैं, हम मानव जीवन के विपरीत कार्य कर देते हैं, तो उन सब का क्या होगा उस समय। भगवत स्वरूप मुनिवर आपका दर्शन जो है अत्यंत दुर्लभ है इस संसार में, और क्योंकि जितनी देर तक एक गाय दुही जाती है ना गृहस्थ के घर पर, उतनी देर भी तो आप कहीं ठहरते नहीं हो। लेकिन मेरा सौभाग्य है, हम सबका बड़ा ही सौभाग्य है क्योंकि आप यहां दिव्य आसन पर विराजमान हो, और सूत जी महाराज नैमिषारण्य, अभी पिछले सप्ताह मालकिन थी वहां नैमिषारण्य में, क्योंकि हमारे गुरु जी द्वारा एक भव्य यज्ञ हुआ था नैमिषारण्य में, जो लखनऊ के पास में सीतापुर नाम का एक शहर है, नगर है, उस नगर में ही
नैमिषारण्य तीर्थ है। और अक्सर आप पाओगे कि जो भी पुराण आप सुनो उसमें सूत जी का वर्णन आता है ना भैया सुरेश, सूत जी महाराज से सौनक जी का प्रश्न होता है। सौनक जी जो है 88,000 ऋषियों से चुने गए वो महात्मा है जिसको एक दायित्व दिया गया है कि तुम या आप हमारे उत्तराधिकारी बनो, हमारे तरफ से प्रश्न पूछो सूत जी महाराज से। जैसे कि सत्यनारायण देवव्रत कथा में भी आप पाओगे कि एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 ऋषियों सब बैठे हुए और तभी सूत जी महाराज का आगमन होता है और सब खड़े हो जाते हैं श्री सूत जी महाराज के आगमन पर। सबने एक साथ मिलकर के श्री सूत जी मुनि महाराज को प्रणाम किया और वो दिव्य आसन पर जब विराजमान हुए तो सौनक जी का प्रश्न था कि कलयुग में मनुष्य के पास समय नहीं होगा कि वो बड़े बड़े यज्ञ कर पाए। भाग्यशाली वो होते हैं जिनको ऐसे मौका मिलता है, एक दिन का, तीन दिन का, पांच दिन का, नौ दिन का जो यज्ञ बताई गई है उसका प्रतिफल जो होता है, उनका फल जो मिलता है वो बहुत बड़ा होता है। सानिया बेटा इतना बड़ा होता है वो उसका फल कि कई जन्म भी जाते हैं, मुनि जन देवता लोग भी इस पर तरसते हैं ऐसे ऐसे यज्ञ को करने के लिए, लेकिन किसी को गर्भाग्य मिल जाता है ना तो बहुत ही दुर्लभ है, अति दुर्लभ है यह यज्ञ। और इस यज्ञ में जितने फल मिलते हैं, तो प्रश्न ये था सत्यनारायण देवव्रत पूजा के अंतर्गत में कि भाई सूत जी महाराज से सौनक जी का प्रश्न है कि हे सूत जी महाराज, हे विद्वत, हे महात्मा, आप बताएं कि मनुष्य जब इतने बड़े बड़े यज्ञ तप आदि ना कर पावेंगे तो उनके लिए कौन सा ऐसा साधन है, कौन सा ऐसा पूजा है, कौन सा ऐसा जप है, कौन सा ऐसा नियम है कि वो पालन करें ताकि उनका जीवन में जो उनकी मन की इच्छा है वो प्राप्त हो सके। बड़ी सुंदर प्रश्न है भैया, मन की जो इच्छाएं बहुत है, मन तो हमारी इच्छाओं से भरा होता है, ना कभी पूरा होने वाली है ना भैया। अपने कंकड़ की सत्संग में हम लोग बहुत तरीके से बात किए, कैसे उड़ते हैं प्लेन, बहुत सुंदर हल्का प्रसंग, इतना आनंदित था ना। हम एक घंटा बैठे थे भैया प्रीतम के घर पर, काका श्री जीत है और उन्होंने प्लेन बैठे बैठे उड़ाया। कहे भाई हमारे पास तो दो प्लेन है ना, और वो दो प्लेन को बस आराम से बैठो, चार बटन दबा दो और ये ऐसे घींचो ना प्लेन उड़ जाए सीधा। काका हम एक काम करें, हम आपके साथ में कभी नहीं जाएंगे प्लेन में, आप पायलट होगे तो हम नहीं जाने वाले। लेकिन बहुत रसीले आदमी है, बहुत ही रसिक आदमी है, बहुत ही अच्छे इंसान है, अपने उम्र के हिसाब से छोटों के साथ में छोटे बन जाते हैं, बड़े के साथ में बड़े रहते हैं। तो ऐसे बहुत ही प्यारे इंसान जो कल हमारे साथ में सत्संग में थे, हम लोग कई ऐसे प्रश्नों का उत्तर प्रयास करें कि कुछ हम वरदान प्रदान करें, कुछ उनसे पाए, कुछ हमसे वो पाए। तो कहने का यह भाव है कि आज अगर मनुष्य भटक रहा है तो क्यों भटक रहा है, मनुष्य अगर दिशा खो बैठा है तो क्यों अपना दिशा खो बैठा है, और अगर ऐसे समय में जबकि श्री परीक्षित जी को सातवें दिन में मृत्यु होने को है तो उसको तो पता ही पता है कि हम सातवें दिन में मर जाएंगे, तो मरता इंसान क्या करता ना? मरता इंसान क्या करता? देखें, जब इस बात का ज्ञात हो गया कि कलयुग का आगमन भी होने वाला है और पांडवों के अति प्रिय अति स्नेही श्री कृष्ण तो स्वधाम गमन कर चुके हैं, तो राजा परीक्षित ने इसी युधिष्ठिर महाराज ने, महाराज युधिष्ठिर धर्मराज ने गद्दी पर अपने पौत्र परीक्षित को बिठा करके और सब भाइयों से कहा कि हम अब स्वर्गारूढ़ हो जाए, हम स्वर्ग के लिए प्रस्थान करें। तो आगे आगे पीछे पीछे सब चलने लगे, सबसे आगे तो धर्मराज युधिष्ठिर महाराज, उसके पीछे भीम और उसके पीछे अर्जुन, और अर्जुन के पीछे
नकुल और सहदेव। अब देखना यह है, पांडवों पुत्रों ने बहुत सारे पुण्य किए हैं जिनका सारथी स्वयं त्रिलोकपति भगवान श्री कृष्ण रहे, मधुसूदन रहे, उनको क्या कुछ घटेगा। लेकिन देखिए एक एक की दुर्बलता देखिए, कह रहे हैं कि जो गिर गया आप ही संभालो अपने आप को, कोई संभालने वाला नहीं आएगा। अंत समय में ना हमारे स्त्री काम आए, ना हमारे पुत्र काम आएंगे, ना हमारे संतान काम आएंगे, ना हमारा कोई काम आएगा। हम अपने आप ही इस संसार छोड़ करके जाने वाले हैं। तो अब सबसे पहले तो नकुल और सहदेव दोनों गिर गए एक साथ। अब जब गिर गए तो अब सब देखने लगे, अब महाराज युधिष्ठिर का आज्ञा है कि कोई किसी को मदद नहीं करेगा, अगर उठ खड़े होकर के चल सकते हैं तो चलिए, अन्यथा त्याग दीजिए अपना प्राण। नकुल सहदेव दोनों। तो पूछा अर्जुन ने कि हे युधिष्ठिर महाराज, हे बड़े भैया, इनकी क्या कमी थी, दोनों बड़े अच्छे थे। तो जवाब आया कि ये अपनी सुंदरता पर दोनों का अभिमान था, नकुल और सहदेव का अपने सुंदरता पर। तो शरीर की सुंदरता भी तो नहीं साथ देगी ना अंत में, दोनों इसी हिमी में बर्फ में आगे गए। कुछ देर बाद अर्जुन वो गिरा, और जब अर्जुन गिरा तो भीम बचाने के प्रयास किया उसको, लेकिन बड़े भैया का आज्ञा है, उठेगा तो स्वयं उठेगा, अन्यथा इसको भी अपना शरीर त्यागना पड़ेगा। तो पूछा भीम ने, भैया अर्जुन ने तो बहुत बहुत बड़े बड़े कारनामे किए हैं, वो क्यों। युधिष्ठिर महाराज धर्म के अवतार हैं, आप सब जानते हैं। और उसने कहा कि अर्जुन का एक अभिमान था, युद्ध के शुरुआत में उन्होंने कहा कि भैया घबराओ मत, हम एक ही दिन में जितने भी यहां है ना कौरवों के सेना आए हुए जो हमसे लड़ने के लिए, मैं उनका सर्वनाश कर दूंगा। ये अभिमान था अर्जुन का। लेकिन युद्ध कितना दिन चला, 18 दिन चला, इसलिए अर्जुन का वो अभिमान ने उसको वहां गिरा दिया। अब भीम को तो भी प्रॉब्लम था ना, अपने बल पर उसका भी तो अभिमान था। भगवान श्री कृष्ण 9वां अध्याय में कहते हैं, मैं बलवानों का बल हूं और भीम के पास भी कहीं ना कहीं उसके बल पर अभिमान, इसके कारण से भीम भी अपने शरीर त्याग देता है। और आगे अब बढ़ता है कौन, सिर्फ युधिष्ठिर महाराज और उसके पीछे एक कुत्ता। कुत्ता भी साथ साथ जाने लगता है और स्वर्ग की ओर बढ़ते 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 अचानक एक विमान आ जाता है। इंद्र आदि सब प्रसन्न हो जाते हैं युधिष्ठिर महाराज पर, और विमान लेकर के सीधे आ जाते हैं कि अब तुम्हें पैदल चलने की आवश्यकता नहीं है, हे युधिष्ठिर महाराज रथ पर बैठा जाओ और हम सीधे सीधे आपको इसी शरीर से हम स्वर्ग ले जाएंगे। कैसे जाते हैं स्वर्ग, थोड़ा सा सुन ली भजन के माध्यम से, फिर हम बढ़ते आगे। हाँ सर बेटा, एक भजन सुनाइए, भाव से भजन भी चले साथ में और आप लोग का ध्यान भी लगा रहे हैं इसमें गोविंद नाम संकीर्तन में। और भगवान श्री कृष्ण आज युधिष्ठिर महाराज जैसे महाबली का भी परीक्षा लिया जा रहा है। आइए भाव से सुने। Thank you.
लूट के ले गया दिल जिगर, सावरा जादूगर लूट के ले गया दिल जिगर। सुंदर भाव को हमारे सोनम बेटा ने प्रस्तुत करी भगवान गोविंद के भजन में, तो जब आनंद हो जाता है, बड़ी मुश्किल से मिलती है, इसलिए देर कब आ रहे आज। एक दफा ना ऐसा हुआ, एक जज के कोर्ट में दो व्यक्ति को लाया गया, और दो व्यक्ति को जब लाया गया तो जज ने पूछा, भाई इन दोनों की अपराध क्या है? तो प्रोसिक्यूटर साहब ने कहा कि भाई दोनों ने लड़की को आंख मारी। लड़की के आंख मारता है, जज ने कहा। तो जो भाई गरीब वाला था ना, उसको कहा कि इसको 1,000 रुपया फाइन और इसको छोड़ दिया जाए। दूसरा वाला खड़ा गया,
तुम्हारा भी तो वही अपराध है ना, तुमने भी तो लड़की की आंख मारी है ना। बोले हाँ, इसको 10,000 रुपया फाइन। अब ये घबरा गया भैया, क्यों? हमने दोनों एक बराबर का अपराध किया और आपने उनको छोड़ दिया 1,000 में और मुझे 10,000, क्यों? बोले तुम जैसे ग्राहक बहुत कम आते हैं। राधे राधे। ये तो रोज आता जाता रहता है ना, तो आप बड़ा मुश्किल से मिलते हो, इसलिए एक लागे तो सोलन बिचारी आती है तो बहुत कम की आती है ना स्टूडियोज में, घर घर के प्रोग्राम में ज्यादा जाती है क्योंकि निमंत्रण मिलता है भाई। अब कोई घर पर जाएगी तो ही इसके घर पर कोई आएगा ना। आती है तो वेलकम, जाती है तो वेलकम। वेलकम, जय हो जय हो। ये बड़ा सुंदर बात है, बहुत अद्भुत कलाकारी जो है ना, ये कलाकार का एक अपना सिस्टम होता है। और हम नहीं बोलते कि अहंकार करे कोई इस पर, बेटी सुन हम तो कभी करेंगे नहीं, कितने छोटे पर से हम लोग इसको जान रहे हैं। जितना प्यारी गाती है, लोग इतना प्रशंसा करते हैं इनको, तो बस देखो जो किसी ना किसी रूप से किसी को रिझा ले, चाहे अपने बातों में, चाहे अपने संगीत के माध्यम से, चाहे अपने यंत्र के माध्यम से। आज इंटरनेशनल प्रसिद्ध कलाकार तबला वादक है, हमारे अवधेश भैया का कमेंट था बहुत सुंदर, बहुत सुंदर कमेंट उन्होंने पिछले बार लिखा कि नमन भैया तुम्हारे तबला तो अद्भुत है, बहुत सुंदर साथ देते हो आप। तो अवधेश भैया जय श्री राम, धारण भैया जय श्री राम, सभी बाबीपुर के हम उनको भूल नहीं सकते ना, सभी बाबीपुर के जितने भी हमारे ग्रामवासी लोग हैं, सर्वे जितने हमारे वरिष्ठ लोग हैं, सबको मेरा प्रणाम पहुंचे। और मैं शीघ्रता के साथ में, आज मेरे पास आया हुआ एक जो बादीपुर के वैदेही जन मंदिर है ना, उस मंदिर का निर्माण कार्य कैसे हुआ है, क्या कहाँ तक पहुंचा है, उसका चित्र लगा दूंगा। अगले बार फिर आप देखें उसको, कितना शोभायमान हो रहा है गांव के बीच में। आइए, मैं आपसे निवेदन कर रहा था, बड़ा सुंदर बात, ये प्रश्न अब देखो कुत्ता साथ में है और स्वर्ग से इंद्र आदि सब आ गए हैं और श्री युधिष्ठिर महाराज को रथ पर बिठा करके ले जाने के लिए है, तो जैसे जा रहे हैं तो कुत्ता को भी उन्होंने सहारा दिया कि आप भी चले आओ हमारे रथ पर बैठो। तो उस समय इंद्र ने कहा नहीं, ये कुत्ता नहीं जा सकता है। इंद्र ने कहा स्वर्ग को ये कुत्ता नहीं जा सकता है, तो रथ पर से युधिष्ठिर महाराज भी उतर गए, कहा कि नहीं, जब ये कुत्ता नहीं जा सकता है तो फिर हम भी नहीं आएंगे भाई, क्योंकि ये हमारा साथी था, ये हमारा साथ दिया, इसलिए अब जब मुझे कुछ अच्छा मिल रहा है तो अपने साथी को कैसे छोड़ दूं मैं, भले वो चाहे जानवर हो। हमारे दुख के समय में इन्होंने मेरा साथ दिया और हमारे पीछे पीछे चल रहा था, हम इसके मार्गदर्शन करवाने जा रहे थे, अभी मुझे मौका मिला स्वर्ग आदि को जाने के लिए, तो इनको कैसे छोड़ दूं। और तभी जो कुत्ता था ना, वो स्वयं धर्म के अवतार थे, प्रकट हो गए, बोलो धर्मराज भगवान की, और कहा कि धन्य हो महाराज युधिष्ठिर, परीक्षा हेतु हम कुत्ते के रूप में आए थे, बस इतना देखना चाहता था कि आप में कितना भाव है। भगवान कहते हैं ना, बहुत श्रीमद् भगवद गीता का ये जो श्लोक है, ये श्लोक अर्जुन द्वारा पूछा गया और श्लोक में उत्तर दिया है श्री भगवान ने। प्रश्न ये था कि अंत काल में मनुष्य क्या करेगा ना, अंत काल में किसका दर्शन करे, क्या पाए, किसको देखे, किसको भजे, और यही प्रश्न यहां हमारे श्री भैया सुरेश एक काम करें, वो बटन दबाए एक बार, सिर्फ एक बार दबा दो बस, बिचारा चलिए ठीक बोला, एक बार दबा दो बस, छोड़ दो, धन्यवाद। बोलो श्री गोविंद भगवान की, मार्केट भी चल रही है, पवन मास्टर भी चल रहा, मैं सोच रहा क्या हो गया भाई, कोई बात नहीं, हम टेक्निकल प्रॉब्लम में नहीं फंसे थे, एक रिमोट हरा गया मेरा यहाँ का, तो हो बस आइए ध्यान से, ध्यान से बोलो श्री गोविंद भगवान की जय। अंत काले च मामेव स्मरणमुत्तत्वाकलेवरम्
यह प्रायाति सामाभादवम् याति नास्यता यत्र संशयः। भगवान कहते कि जो पुरुष अंतकाल में मुझको स्मरण करता है, अंतकाल में वो शरीर को त्याग करके जाता है, वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त करता है। ये विशेषता है हमारी, हमारे उपनिषदों का, हमारे ग्रंथों का। वो एक ऐसा मार्गदर्शन कराते हैं, श्रीमद् भगवत महापुराण भी यही बता रहा है। अभी आप सुनेंगे प्रथम अध्याय द्वितीय स्कंद में श्री महाराज परीक्षित को श्री परमहंस शुकाचार्य मुनि महाराज क्या बता रहे हैं, जो अभी अर्जुन के प्रश्न को उत्तर देते हुए भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के रणभूमि में यही बात बताया। अंतकाल कोई मेरा स्मरण करे बस, और मेरा स्मरण करता हुआ शरीर को त्यागेगा तो क्या मिलेगा उसको, मेरा स्वरूप मिलेगा, समुच्चय मुक्ति मिलेगा, मेरे रूप में प्रवर्तित हो जाएगा वह वो आत्मा। क्योंकि आत्मा तो शरीर बदलता है ना, जब अंत में प्राण छोड़ता है, निकलता है शरीर से, तो किसी और शरीर में तो जाएगा जाएगा, और ऐसा शरीर धारण करेगा जो स्वयं श्री भगवान श्री नारायण का रूप है, ऐसे भगवान ने कहा। और यहां देखिए ध्यान विधि और भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन किया है। और हमारे यहां श्रीमद् भगवत महापुराण में, भगवत गीता में, तो भगवान ने 11वां अध्याय में उस विश्व विराट रूप का प्रदर्शन करवाया है अर्जुन को। कहा अर्जुन तू अपने इन नेत्रों से मुझे नहीं देख पाएगा, हम तुम्हें दिव्य दृष्टि देंगे, वो डिवाइन साइट जिससे तू मेरा इस विश्व विराट रूप को देख पाएगा, अन्यथा तू नहीं देख पाएगा। यहां प्रश्न यह है, श्री सुखदेव जी महाराज के प्रश्नों का उत्तर देते हुए राजा परीक्षित को कहा, परीक्षित तुम्हारा लोक हित के लिए ये किया हुआ प्रश्न जो है बहुत ही उत्तम है। रामायण में बालकांड में मैया पार्वती ने तो पूछा था बुद्ध भगवान भगवान शंकर से, तो क्या कहा श्री शंभुनाथ ने, आइए भैया चौपाई छोड़ देते कभी कभी बताए है, पूछे हूं रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे हूं रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग आवरी गंगा, सकल लोक जग आवरी गंगा। भगवान शंकर ने मैया पार्वती को साधुवाद दिया है, आपने जो कथा पूछी है सारे जगत के कल्याण के लिए आपने पूछी, जैसे पावनी गंगा भगवान श्री नारायण के चरणों से निकल करके ब्रह्मा के कमंडल में, और भगवान श्री ब्रह्मा के कमंडल से निकल करके श्री शंकर जी के जटा में, और वहां से तीन धारा बन करके सारे भारत को तृप्त किया है। पूछे रघुपति देवी, तुम्हारे प्रश्न सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, आने वाले कई पीढ़ी इसका श्रवण करेंगे। पहले तो भगवान का मैं अद्भुत रूप का वर्णन कर रहा हूं, क्या बोला, बिनु भगत रे निर्गुण रूप का वर्णन,
साकार में तो भगवान ऐसे दिख रहे हैं, साकार में भगवान ऐसे दिख रहे हैं लेकिन निर्गुण कल्याण हेतु आपने यह प्रश्न पूछा, जैसे मैया गंगा सारे भारत को तृप्त करती हैं, ऐसे आज ये प्रश्न जो पूछा गया है श्री सुखदेव मुनि महाराज से राजा परीक्षित के द्वारा, वो उनके कल्याण के लिए तो होगा होगा, लेकिन आज हम कितने सालों बाद 5200 वर्ष लगभग बीत चुके हैं और कुछ साल और पहले ले लिया जाए, हम आज भी पढ़ते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण को। कहा कि जो लोक हित के लिए ये आपने जो प्रश्न पूछा है बहुत ही उत्तम है, मनुष्य के लिए जितनी भी बातें सुनने स्मरण करने या कीर्तन करने की है उन सब में यह श्रेष्ठ है, अति उत्तम है। इसलिए आत्मज्ञानी महापुरुष ऐसे प्रश्न का बड़ा आदर करते हैं, क्योंकि उनके लिए सोने चांदी हीरे जवाहरात से भी ऊपर है, कोई रत्न से भी ऊपर है। और राजेंद्र जो गृहस्थ घर के काम धंधों में उलझे हुए हैं, अपने स्वरूप को नहीं जानते हैं, उनके लिए हजारे बातें कहने सुनने एवं सोचने करने की रह जाती है, उनकी सारी उम्र ये तो बीत जाती है अपने घर घरेलू के काम में। बोले ना, जब तक है जीवन फुर्सत ना मिलेगी काम से। अशरमेश जी, जब तक है जीवन फुर्सत ना मिलेगी काम से, काम धंधा थोड़ा छोड़ो ना प्रीतम भैया, आ जाओ भगवान कृपा आश्रम पर, आ जाए कुटिया में हमारी, आ जाए किसी के घर में जहाँ सत्संग हो रहा है, और कुछ देर बैठ करके सीधे सीधे राम जी का नाम ले लो आराम से, बस यही तो सुंदर है जीवन का, भजन का ये आनंद है, थोड़ा देर करें लेकिन आनंद में करें। ऐसे भगवान ने कहा कि हजारे बातें सुनने सोचने के लिए उनका जीवन यूं ही वृथा चली जाती है, अपने कुटुंबियों के पालन पोषण में समाप्त तो हो जाता है, और संसार में जिन्होंने अपना अत्यंत धनिष्ठ संबंधी कहा जाता है, वे शरीर वे पुत्र वे स्त्री वे आदि कुछ नहीं साथ जाएगा। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, बड़ा सुंदर है।
एक लाइन सुना दे हम सोने बेटा। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देखी नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है क्या भरोसा है इस जिंदगी का। आदमी बुलबुल बोले क्या क्या भरोसा है जिंदगानी का। रिदम ठीक रख ठीक करे। क्या भरोसा है जिंदगानी का, आदमी बुलबुला है पानी का, तब वो बुलबुला फूट जाए। इसलिए थोड़ा थोड़ा हम लोग सीख रहे हैं ना, कुछ तो प्रोग्रेस कर रहे हैं, बड़े हम लोग धीरे जा रहे हैं। रमेश मास्टर जी थोड़ा थोड़ा तो कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा में आराम है, थोड़ा थोड़ा में चले धागे दौड़े क्यों, इन नौ रोज में क्यों भगवत बन कर रहे हैं हम लोग। सुनेंगे कि रात दिन उनको मृत्यु ग्रास होते देखकर भी चेतना उनको नहीं मिलती है। वो जानते हैं थोड़ा देर हम जाते हैं शमशान घाट पर, किसी के अंत्येष्टि में जाते हैं, किसी की दाह संस्कार में जाते हैं, थोड़े देर चुप रहते हैं, हम जहां से निकलते हैं हम सब भूल जाते हैं, फिर हमारा भी गति यही होने वाला है ना, भूल जाते हैं, क्योंकि हम लोग के माया जकड़ लेती है भैया। भगवत भक्ति में भी आनंद होता है, जैसे यहाँ से निकलेंगे ड्राइव में मशीन वही चक्कर है, सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का श्रवण कीर्तन और स्मरण करना चाहिए हर वक्त, और ये अभ्यास बना रहे हैं, बस ये अभ्यास बना रहे हैं। क्योंकि किसी भी मास्टर जी आप तो पढ़ाते हैं, आप तो जानते हैं लोगों को, कैलकुलस फॉर्मूला देते हो आप, क्या क्या नहीं देते हो, कोई फॉर्मूला दे देते हो तो आप बताओ इसको रटन करो, इसको रटन करो, इसको रटन करो, तो अभ्यास से फिर वो पक्का हो जाता है। ऐसे हमें भी नित्य प्रतिदिन भजन करना है, नित्य प्रतिदिन सत्संग करना, थोड़ी देर के लिए ही सही लेकिन करना है, ताकि हमारा अभ्यास बना रहेगा। और अभ्यास बना हुआ श्रीमद् भगवद गीता का 10वां अध्याय में भगवान कहते हैं कि मरते समय अगर किसी ने ओम बोल करके अपना प्राण छोड़ दिया तो वो सीधे सीधे मोक्ष के धाम पर पहुंच जाता है। ओम कारण बिंदु समयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिना कामदा मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः ब्रह्मक्षर योग नाम से ये अध्याय जो है ना उसमें कहा गया है कि मेरा स्वरूप ओम है, और योगी जन अपने ध्यान को इसी ओम में लगाते हैं। ओंकारं बिंदु समयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिना, योगी लोग ध्यान करते करते अपना शरीर छोड़ देते हैं, फिर जन्मते हैं और फिर वहीं से शुरू करते हैं। ऐसे श्री भगवान का ध्यान का स्मरण करा करो, और हम लोग बस एक ना एक दिन जब हमारे समय आएगा जाने के तो वह अभ्यास बना रहेगा, तो ओम बोल पाएंगे हम, कृष्ण बोल पाएंगे हम, राम राम बोल पाएंगे हम, कृष्ण राधे कृष्ण बोल पाएंगे हम, जो बोल पाएंगे वो भगवान की अनुकंपा से उनकी शक्ति से बोल पाएंगे, अन्यथा नहीं निकलेगा। ऐसे भगवान कहते हैं, ये वेद व्यास मुनि महाराज के बहुत ही परम प्रिय इनके सुपुत्र इनके परमहंस ज्ञानी शुकाचार्य मुनि महाराज राजा परीक्षित को भगवान के अनुभूति करा रहा है कि अंत समय में मनुष्य को क्या करना चाहिए। और इतना ही लाभ है कि चाहे जैसे और ज्ञान से भक्ति से अथवा अपने धर्म के निष्ठा से जीवन को ऐसा बना लीजिया जाए कि मृत्यु के समय भगवान के स्मृति अवश्य हो जाए, बस एकदम गारंटीड। और ये सिर्फ अभ्यास से होगा, जैसे प्रीतम भैया हमारे तार जोड़ते हैं उसको अभ्यास है, तार जोड़ने वाली हमें जोड़ने के दे हम तो दागेंगे ना, चट चट होगा इधर से उधर, अब इनको पता है कौन सा तार कहां जाना चाहिए, हम तो गड़बड़ कर देंगे भैया,
मिथिलेश सुन रहे हैं हमारे भारतवर्ष की यात्रा पर कहीं ना कहीं कुछ दगा ना, मिथिलेश भैया बोले कोई गड़बड़ हो गया, बोले कंट्रोला बोर्ड ढक गया, बोले छोड़ दो देखेंगे फिर बाद में जब हम आएंगे तब देखेंगे। तो फिर उसको हम लोग बनाया। कहने का तात्पर्य है जिसको अभ्यास होता है जिस चीज का वो उनका एक्सपर्ट होता है वो करते हैं। तो अगर हम भजनानंदी बनना चाहें तो भजनानंदी के लिए रोज बैठे थोड़ा थोड़ा देरी करो और भगवान का मेरी निर्गुण स्वरूप परमात्मा में पूर्ण निष्ठा रखो। निर्गुण स्वरूप बोलते साकार स्वरूप तो सही सही है, बहुत अच्छा उत्तम है, लेकिन मेरा निर्गुण स्वरूप यत्र तत्र सर्वत्र भगवान का सही मायने सही डिस्क्रिप्शन का है, भगवान यहाँ है वहां है और सारा जगह में है, यत्र है तत्र है सर्वत्र है। ऐसे भगवान के निर्गुण रूप का नित्य प्रतिदिन भी ध्यान करना चाहिए। तुम भगवान के परम भक्त हो इसलिए तुम्हें मैं इसे सुनाऊंगा। जो इसके प्रति श्रद्धा रखते हैं उनकी शुद्ध चित्त वृत्ति भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अनन्य प्रेम के साथ बहुत ही शीघ्र लग जाती है। क्यों? कि भगवान इज लव, कृष्ण भगवान इज लव, भगवान अद्भुत प्रेम, उनका जो प्रेम है वो डिवाइन है, वो दिव्य है, बहुत दिव्य है। जो प्रेम भगवान बांटते ना वो ऐसा नहीं है कि गोपी और उनके ना, ये प्रेम भगवान जो देता है मनुष्य को भक्त को वो उनका दिव्यता अलग है, बिल्कुल अलग है। और ऐसे दिव्यता हमें प्रदान कर दे भगवान ना, जैसे कि सूरदास को दिया था। कहा सूरदास मेरे दर्शन करना है आपको प्रभु ना, बोले दर्शन और आप तो नेत्र ही ना, बोले प्रभु आप क्या नहीं कर सकते हो। तो बोले ठीक है, बोले ना एक काम करना प्रभु आना लेकिन राधे जी को भी साथ मिलाना, राधा कृष्ण दोनों का दर्शन हमें चाहिए। और जब प्रभु आए तो अपने वो दिव्य दृष्टि को सूरदास के नेत्र में डाल दिया और सूरदास ने देखा वो दिव्य अनुभूति, वो राधे कृष्ण की जोड़ी, दो शरीर एक आत्मा। ऐसे दिव्यता को देख करके थोड़ा देर देखते हुए मुस्कुरा करके अपने आंखों को बंद कर लिया। कहा गोविंद, बोले अब जो आपने दिया था दिव्य दृष्टि उसको वापस कर लो ना। कहा कि अरे सूरदास रखो ना, देखिए क्या प्रकृति है, क्या संसार है, कितने सारे सब है, बहुत कुछ है। बोले देखिए इसको। बोले नहीं 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 नहीं, आप दोनों को देख लिया, इसके बाद में संसार देखने में बचा ही क्या है। इसलिए भगवान का वो अनुभूति अंदर से हो जाए, चिंतन में मगन हो जाए। मद भक्त्या यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद, हम वहीं रहते हैं नारद जहाँ भक्त मेरा कीर्तन करते हैं। राज के प्रसंग की अंतिम छोर पर आते हुए चले सोनम बेटा, जहाँ भक्त हमारे कीर्तन करें सभी को मिल जाए। और सोनम बेटा के साथ में आज हम लोग चले, आज खास करके सोनम बेटा गा रही है अपने पिताजी के प्रति, इनके पिताजी की आयु बहुत लंबी हो, दीर्घ आयु हो, इनका जीवन बहुत स्वस्थ रहे और मंगल रहे। जीजा हमारी तरफ से व्यासपीठ की तरफ से भी यही मंगल प्रार्थना भगवान। कुछ पाने की खातिर तेरे दर, कुछ पाने की खातिर तेरे दर, हम भी झोली फैलाए हुए हैं। कुछ पाने की खातिर तेरे दर, कुछ पाने की खातिर तेरे दर, हम भी झोली फैलाए यहाँ झोली सभी की है भरती, यहाँ झोली सभी की है भरती, इसलिए हम आए हुए हैं। Thank you.
ऐसे भगवान का श्रवण करना, उनके स्मरण करना, पहला अध्याय में दूसरे स्कंद के श्री सुखदेव मुनि महाराज जी राजा परीक्षित समझाए हैं। अगले सप्ताह हम दूसरे और तीसरे अध्याय में प्रवेश करेंगे, जिसमें भगवान के स्थूल और सूक्ष्म रूपों का धारणा तथा कर्म मुक्ति और सदो मुक्ति का वर्णन बताया गया है। और एक और विशेषता है, एक और अध्याय में आगे बढ़ेंगे हम लोग, और उस अध्याय तीसरा अध्याय होगा, और तीसरे अध्याय में कामनाओं के अनुसार विभिन्न देवताओं की उपासना तथा भगवत भक्ति के लिए यह प्रध्यान का जो निरूपण है वो कैसे करते हैं। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन हमें और आपको ये सूत्र को समझ लेना चाहिए। कथा तो बहुत आती है, लीला भगवान का, गोवर्धन जी का सब सुनते हैं, लेकिन ये भगवत के जो रहस्यमय बातें हैं ये बड़ी मुश्किल से सुनते हैं हम लोग और समझते हैं। आज की कथा का प्रसंग हम लोग यही करेंगे, आरती के साथ में आरती लाइव करेंगे। बोलिए श्री गोविंद भगवान की, भगवत भगवान की आरती करेंगे। हम यस कर लेंगे। इसके लिए भी हम लोग कुछ करेंगे। शानिया बेटा गाएगी ना। बोली गोविंद भगवान के चंद्र सी
Thank you.